व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआ, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन परिश्रम का जीवन से ही हल मिलता है। आप लोगों ने भगवत गीता की वो कहावत सुनी होगी, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आप लोग जैसे लाइफ में चलते रहेंगे ना, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते रहेंगे। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होंगे, पर लेकिन जिनको आप लोग बुरे एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वो कभी भी बुरे नहीं होते हैं। वो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या, देखा भी होगा, मान लीजिए कुआं है और कुएं में से पानी निकालने के लिए एक रस्सी डाली जाती है। रस्सी देखिए किस चीज की बनी होती है, और कुआं पत्थर का बना होता है, पर फिर भी वो रस्सी उस पर कुएं पर अपना निशान छोड़ जाती है। निशान छोड़ छोड़ के उसको मतलब उस पर जैसे जैसे रस्सी खींची जाती है तो निशान क्या उसमें बहुत अपनी जगह बना लेती है उसमें कहीं ना कहीं। तो आप लोग भी जैसे अपना जिंदगी में कर्म करते रहेंगे ना, तो आप भी अपना इस जिंदगी में, इस दुनिया में अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाम हासिल कर ले जाएंगे। पर लेकिन वो जब पॉसिबल है, जब आप लोग कठिन परिश्रम के साथ साथ में अपने आप को जानेंगे कि आपकी क्या विशेषताएं हैं और कहां आप अपनी ताकत को यूज कर सकते हैं। आप लोग अगर अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप लोग वो जगह नहीं बना पाएंगे कभी भी। तो कभी भी लाइफ में अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। बस अपने आपको हमेशा यही कहते रहना है कि लाइफ में हर एक इंसान आया है तो कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। बस आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को क्या करना है, और वो हमेशा आप लोगों को वही करना चाहिए जिसमें आप लोगों का मन लगता है। मन मार कर अगर चीज करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो आप लोग उसको कभी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, हर एक काम को जो भी आप लोग कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, फिर देखिए आप लोग कितना अच्छे तरीके से उस काम को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाते हैं। 16 फरवरी है, नैनो मैगजीन के तहत ऑल इंडिया रेडियो दिखेगा, आप लोगों को पीआईबी की न्यूज दिखेगी, योजना दिखेगा, क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे उनके आंसर्स दिखेंगे। काफी शानदार हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए पहले देख लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पर हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो भी नए स्टूडेंट यहां पर लेक्चर देख रहे हैं अब, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर डेली नीचे कमेंट बॉक्स में डेली एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है, और आप लोगों को भी उसको ज्वाइन करना है। आप लोग भी डेली एक क्वेश्चन पूछिए, और जो दूसरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं उनके क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़िए। आंसर के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना क्वेश्चन लिखिए उसके नीचे आंसर लिखिए। मतलब हद हो गई, आप लोग अगर क्वेश्चन क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स के पढ़ने स्टार्ट कर देंगे ना, मतलब पूरा एक क्या बोलूं मैं, आप लोगों ने क्वेश्चन की झड़ी लगा रखी है, मतलब दिल खुश हो गया। आप भी डेली जो कोई नया स्टूडेंट आता है, डेली नीचे क्वेश्चन इतने सारे होते हैं, आप लोगों को 400 से 500 क्वेश्चन डेली मिल जा रहे हैं। अगर 400-500 क्वेश्चन में को आप लोग निकल जा रहे हैं, तो आप लोग सोचिए आप लोग कोई भी एग्जाम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़िए कि क्या क्या क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं, और उनके आंसर जरूर देखिए, और आंसर जब दिया करें आप लोग हल्का सा एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश कीजिए 2-3 लाइन का, जिससे कि सामने वाला अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, फिर देखिए कितना मजा आता है। ओके, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा एक बिल्कुल घमासान मच गया है, जब से वहां पर नए जो पुराने प्रेसिडेंट थे वहां पर महेंद्र राजपक्षे, जब से वो लोकल इलेक्शन जीतकर आए हैं, तब से यहां पर काफी खलबली मच गई है, जो कि यहां पर आज की डेट में कोएलिजन की गवर्नमेंट चल रही है उनके बीच में। तो उन्होंने अपने कैबिनेट में जो उनके मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव करने की बात की है। रिजिक का मतलब होता है बदलाव करना, तो उन्होंने बदलाव करने की बात की है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला है हाथ लगने वाला है। बिल्कुल ही ऐसे ही है, अगर आप लोग अपने पुराने पैटर्न पर चलते रहे तो आप लोगों को वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ये है ये इन्फॉर्मेशन उन यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो खासकर ट्रेन में बहुत ज्यादा सफर करते हैं। अब 1 मार्च से कोई रिजर्वेशन चार्ट आप लोगों को ट्रेन के डब्बे पर नहीं लगा मिलेगा। आप लोगों ने नॉर्मल ट्रेन के डब्बे देखे होंगे, और हर एक डब्बे के स्टार्टिंग में रिजर्वेशन चार्ट लटका होता था, तो अब वो नहीं लगा मिलेगा। बोला जा रहा है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कि लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्चा हो जाता है, उसकी वजह से पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है उसकी वजह से, और बहुत ज्यादा आप लोग पता है पेपर किससे बनता है, पेड़ों से बनता है, तो उसको सेव करने की बात की जा रही है। ऐसा ही स्टार्टिंग में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में देखने को मिला यहाँ पर 21 लाख वो सेव कर पाए पैसे, और उसको दूसरी जगह रेलवे में डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है आसानी से। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था 2016 में। अब ये एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर एरिया में भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो अगर आप लोग इस चीज को देखते हैं तो अपना खुद से ही पता होना चाहिए आप लोगों को कौन सा डिब्बा है और कौन सी आपकी सीट है। वो आप लोग ऑनलाइन मैक्सिमम कोशिश क्या कीजिए रिजर्वेशन वगैरह करने हो तो। आप लोगों को बात की जा रही है यहाँ पर, मैंने आप लोगों को स्टंट के बारे में समझाया था, मैंने आप लोगों को स्टंट दिखाया था, एक छोटी सी पतली सी एक नली टाइप की होती है जिसको हट में लगा देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है हट में कोई ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कोई भी बीमारी हो रही है तो उसको आसानी से उसको बाईपास किया जा सकता है।
इसी तरीके से आप लोगों को उस टाइम पर मैंने बताया था कि उसकी कैप घटा दी गई है, और 8% मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पर कि 8% की कैप यहां पर लगा दी गई है, 8% का प्रॉफिट यहां पर ले सकते हैं ओनली। वरना क्या था, अगर कोई 10,000 की आ रही है तो उसे 1-1 लाख में बेचा जा रहा था, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही थी। अब ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, कैप लगा दी गई है यहां पर, ऐसा ही कुछ आप लोगों के लिए हिप के लिए, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये पिक्चर में आप लोगों की समझ में आ जाएगा। कई बार कई इंसान कुछ तो एज की वजह से, जब एज ज्यादा हो जाती है या फिर कहीं पे गिरने की वजह से, कई बार ये हिप की जो बोन होती है टूट जाती है, तो इनको इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इनको फिट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पर काफी खर्चा आता है, तो इसको फिट करने के लिए भी अब यहाँ पर इसके ऊपर कैप लगा दी गई है, जिससे कि जो भी कोई गरीब तबका सोसाइटी का है, कोई भी इंसान है, अगर यहाँ पर इसको लगाना चाहता है तो उससे उसको लूटा ना जाए यहाँ पर। मतलब उसको प्रॉपर एक जितना, देखिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मांगता है, पर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है सामने वाले की जेब काट ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से उसको एक प्रॉपर प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और जो एक पेशेंट है उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो उस पर भी कैप लगाने की बात किया गवर्नमेंट ने कि हाँ, इससे ज्यादा आप लोग प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो ये बात यहां पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट है यहां पर ईरानियन प्रेसिडेंट, आप लोगों को पता है इंडिया की विजिट पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया और वो ईरान और इसराइल कट्टर दुश्मन है, आप लोगों को ये पता ही होगा, ठीक है। तो ईरान और इसराइल कट्टर दुश्मन है, और आप लोगों को पता होगा ईरान वो इसराइल और पैलेस्तीन भी कट्टर दुश्मन है। तो देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जब ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर हम लोगों को अपने रिलेशन सुधारने पड़ते हैं। एक साइड में तो हम लोग पैलेस्तीन को साथ में लेकर चल रहे हैं, एक साइड में ईरान को साथ में लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसराइल को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को हम लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, तब जाकर यहां पर जाकर हम लोग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। वरना हम लोग सोचेंगे इसराइल के साथ बना लेते हैं, इनके साथ बिगाड़ लेते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना होता है, और यही बैलेंस आप लोगों को लाइफ में बनाकर चलना होता है। किस तरीके से आप लोग बैलेंस बना पाते हैं, अपनी फैमिली के बीच में, यार दोस्तों के बीच में, मतलब एक प्रॉपर वे में आप लोगों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है अपने काम के बीच में, तब जाकर आप लोग लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हैं। और ये बहुत शानदार बात है कि बैलेंस बनाकर चलना आप लोग स्टार्टिंग से ही सीख जाइए, तो आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर, कुछ डेटा है पर लेकिन थोड़े पुराने, पर आप लोगों को थोड़ा आइडिया यहां पर होना चाहिए। बात की जा रही है ओपन डेफिकेशन की, हमारी कंट्री में ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आप लोग जानते हैं खुले में शौच बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हालांकि अब घटता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड 10 कंट्री का जब यहां पर नापा गया, सबसे ज्यादा जहां पर ओपन डेफिकेशन होता था, तो हम यहां पर टॉप पर है। कम से कम ऐसी जगह पे हम लोगों को टॉप पर नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसी जगह पे बॉटम में होना चाहिए। बल्कि हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए हम लोग इस लिस्ट में से ही बाहर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। देख सकते हैं इंडिया में, हालांकि जब से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 से चलाया गया था, और 2019 तक अक्टूबर तक ठीक है ना, उसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है गांधी जी की जयंती तक, ठीक है। तो ये टारगेट है यहाँ पर, तो देखिए कब तक उसको कंप्लीट कर पाते हैं। कई सारे स्टेट ऑलरेडी अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री कर चुके हैं, आने वाले टाइम में भी कई सारी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हम सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पर लेकिन आपको और हमको सबको मिलकर काम करना है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आसपास में कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, उनको रोकने और उनके समझाने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारा बीमारी से लगती है, तो एक अपना खुद घर पे ही जो शौचालय होता है उसको यूज करने की आदत डाली जाए। आप नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पकोड़ा वाला, जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कमेंट आया था, उसके बाद में काफी कुछ देखने को मिला हमारी कंट्री में, उसके बाद में गवर्नमेंट भी थोड़ी सतर्क हो गई है। बात करें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जॉब एंड लाइवलीहुड, तो उसके ऊपर यहाँ पर लाइवलीहुड के बारे में बात की जा रही है, जॉब के बारे में बात की जा रही है, रोजी रोटी मिल जाए इंसान को उसके बारे में बात की जा रही है। तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा यहाँ पर ये एड्रेस की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जॉब एंड लाइवलीहुड के बारे में, और ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई थी नीति आयोग और यहाँ पर CII के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है अगर हम आप लोग अपनी कंट्री के जो यूथ हैं उनको सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हैं, उनको ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पर वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कराए और उनको अच्छे से हम लोग एक मतलब एजुकेशन के साथ साथ में उनको स्किल भी प्रोवाइड कराए, तो तब जाकर ये पॉसिबल होगा। और इस तरीके हम लोग को एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ओनली पॉसिबल नहीं है, जब तक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा आकर तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। दोनों को मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर हम लोगों को एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड कराएंगे अपने यूथ की, तब जाकर हम लोग इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। थोड़ा नीति आयोग के बारे में देख लीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया था, प्लानिंग कमीशन को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 3 साल इसको लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था, चेयरमैन कौन होता है ये पूछा जाता है डायरेक्ट, चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी बनेगा, अभी नरेंद्र मोदी जी है, फ्यूचर में कोई और बनेगा तो वो यहाँ पर चेयरमैन होगा।
ये नीचे मेंबर दे रखे हैं, मेंबर ज्यादा याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस थोड़ा यहाँ पर वाइस चेयरमैन आप लोग याद रख सकते हैं, राजीव कुमार आज के डेट में वाइस चेयरमैन है। ओके, तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। और हाँ, ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ पास करके नहीं बनाई गई है, ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, मतलब कैबिनेट के ऑर्डर के द्वारा बनाई गई बॉडी है, जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। रीजन क्या है, रीजन यही है कि सीधा सीधा गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे प्लानिंग कमीशन हो गई या फिर नीति आयोग हो गया, ये डायरेक्ट यहां पर गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे रहे हमेशा, इस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि अगर यहां पर एक बार को कहीं पे अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रख देते अमेंडमेंट करके, तो अगर कल को कोई भी चेंज करना है तो उसमें चेंज नहीं कर पाते। अगर कुछ भी इसमें अगर कल को कोई भी कोई नई चीज करनी है, कोई नए अमेंडमेंट करने हैं, तो यहां पर पूरा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो सारी चीजें अपने हाथ में रखने के लिए इस तरीके यहां पर स्टेप लिए जाते हैं। तो ये बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर सीसीआई के बारे में, सीआईआई के बारे में। ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पॉलिसीज इश्यू, जिस तरीके से मैंने आप लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट की जॉब के बारे में यहाँ पर इश्यू चल रहे हैं, तो इस तरीके का अगर कोई भी इशू रहता है, पॉलिसी का कोई भी इशू रहता है, तो उनके साथ में मिलकर गवर्नमेंट के साथ में ये वर्क करती हुई नजर आती है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ये एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या है, ये एक एनजीओ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट है, और ये साथ में काम करती है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। फाउंड की गई थी 1895 में। देखिए हमारी कंट्री में ब्रिटिश ने रूल किया है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला होगा जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, जो उनके खुद के वहां पर अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे तो उनको तो सपोर्ट किया करते थे, और जो हमारी कंट्री के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश वो किया करते थे। तो कहीं ना कहीं अपना खुद का एक गुट बनाया गया कि हम खुद भी अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को सपोर्ट करें, तो तब जाकर यहां पर इसका गठन किया गया। आप लोग देख सकते हैं 1895 में हमारा देश आजाद हुआ 1947 में जाके, तो बहुत पहले ये बना दी गई थी ताकि हमारी कंट्री में भी एक ऐसा एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनाया जा सके, ताकि आने वाले टाइम पर हमारी कंट्री भी एक सही डायरेक्शन में चल पड़े। कल को जैसे अंग्रेज यहां पर छोड़कर जा रहे हैं तो हमारी कंट्री में खुद का एक इन्वायरमेंट हो, हम लोग कंप्लीटली उस टाइम पर अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। तो ये बातें आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रही है। लगभग 8300 यहां पर मेंबर हैं आज के डेट में इसके, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से मिलकर आते हैं यहां पर एसएमईज और एमएनसीज आप लोगों को दोनों तरीके देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को नीति आयोग डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आप लोगों का पॉलिटिकल लेक्चर लिया था, पर फिर भी शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लीजिए नीति आयोग के बारे में हल्का सा, और कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक है ना, ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पंचायत या फिर स्टेट के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर प्लान अपने बनाइए और ऊपर तक लेकर आइए, हम तक लेकर आइए अपने प्लान, और हमको बताइए आप लोगों ने क्या प्लान बनाए हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे, अगर उन पर डिस्कशन अच्छा होता है, अगर कुछ निकल के आता है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तरीका थिंक टैंक ही आप लोगों को देखने को मिलता है। फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ये तो आप लोगों से बैंकिंग में पूछा जा सकता है और एसएससी में भी। यूपीएससी में तो ये पूछा गया था कि किसने नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया है, पर लेकिन बैंकिंग और एसएससी में आप लोगों से ये भी इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, एस्टैब्लिश किया गया था। एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने है, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उन गोल को अचीव करने की बात की जाती है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, संघवाद का ढांचा, 29 स्टेट है सबको साथ लेकर चलना है, तो संघवाद के ढांचे को भी इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को जब साथ में लेकर चलेंगे और पॉलिसी फॉर्मेशन में यहां पर काम चलेगा, तब जाकर यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोगों को अगर थोड़ा आप लोग पहले से न्यूज सुने तो आप लोगों को पता होगा जब प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी तो उस टाइम पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती थी। जब जयललिता जी कई बार क्या हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन की जब भी यहां पर एनडीसी की मीटिंग बुलाई जाती थी तो उसको छोड़कर भी चली गई थी, कई बार आप लोगों ने बहुत न्यूज में उसको सुना भी होगा। क्यों, क्योंकि ना तो वहां पर जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलने के लिए ज्यादा टाइम दिया जाता था, और वो एक बस एक सेरेमोनियल बॉडी हुआ करती थी, जाकर वहां पर मिलना है थोड़ी देर के लिए और फिर निकल लेते थे, ऐसा कुछ वहां पर देखने को मिलता था। पर लेकिन यहां पर कंप्लीटली पैटर्न चेंज किया जाता है, यहां पर सुना जाता है लोगों की आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझना चाह रहे हैं। तो नीति आयोग का फंडा ऐसा है, ठीक है। डिटेल में लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे जाकर सारे पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट नीचे प्रोवाइड कराई जा रखी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ये है हमारी आर्म फोर्स के बारे में। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी आर्म फोर्स के पास कई सारे तरीके के वेपन्स जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है, कई तरीके टेक्निकल फैसिलिटीज की कमी पाई जाती है, और इसकी वजह से कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोगों को देखने को मिला टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इसी तरीके से कई तरीके टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो उसका सही से सोल्यूशन निकाला जा सके। इस तरीके से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट करने की बात की जा रही है फास्ट, जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमारी आर्म फोर्स को सही से यहाँ पर राइफल वगैरह या फिर कोई भी टेक्टिकल वेपन्स जो होते हैं, कोई भी इसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है, उनको प्रोवाइड कराई जा सके।
तो अभी बात की जा रही है यहाँ पर लगभग कितना, यहाँ पर 982 करोड़ की यहाँ पर बात देने की बात, पैसे देने की बात की जा रही है, एस्टिमेट कितना यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, यहाँ पर ये जो प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, ये यहाँ पर जो काम किया जाने की बात की जा रही है आगे, ये यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया में ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसके बाद में सप्लाई की जाएगी। तो सबसे शानदार बात यही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब किसी और कंट्री के ऊपर हम लोगों को नॉर्मली डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी आप लोग देख सकते हैं, उन सबको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, नाम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो आज की डेट में ही है, नाम बताइए इनका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। वैसे आप लोगों को पता, याद तो हो ही गया होगा अब तक। बुक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये नहीं, बुक्स रिलीज की गई है अभी, इस बुक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बुक का नाम है ट्रायल्स ऑफ ट्रूथ। तो इस तरीके की बुक कई बार पूछ ली जाती है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है एडिशनल सोलिसिटर जनरल पिंकी आनंद के द्वारा एंड मिस गौरी गोवर्धन के द्वारा। तो राइटर के नाम आप लोग याद रखते हैं, यहाँ पर रिलीज की जा रही है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो कुछ कई बार इस तरीके की बुक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को बुक्स जो नई लेटेस्ट रिलीज होती है एक दो का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। ये वाली इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूसरों सबसे शेयर भी करनी है, ताकि यहाँ पर सब वुमेन तक ये बात भी पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, हमारी कंट्री में वुमेन को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, खासकर जब बात आती है सैनिटरी पैड से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पैडमैन मूवी आई है, उसमें भी इसकी बात की गई है काफी हद तक। तो बात की जा रही है सैनिटरी पैड की, तो ईच ब्लॉक लेवल पर, ठीक है ना, जो ब्लॉक लेवल होता है आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर तहसील लेवल पर ब्लॉक लेवल आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां पर ईच ब्लॉक लेवल पर सैनिटरी पैड यूनिट की एक एक सेंटर यहां पर ब्लॉक लेवल पर हर एक कंट्री में, आप पूरी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेटअप किए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर के तहत, यहाँ पर नेटवर्क पूरा क्रिएट किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स को, अराउंड 60,000 वुमेन को आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जॉब भी क्रिएट की जाएगी। क्योंकि इम्प्लॉय जो यहाँ पर इम्प्लॉयर रहेंगी, वो वहाँ पर वुमेन ही रहेंगी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये मिनिस्ट्री आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देखिए, वुमेन की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो जॉब भी वुमेन को ही दी जा रही है सैनिटरी पैड के तहत। तो देखिए, एक तो वुमेन को हेल्थ की फैसिलिटी मिल जाएगी और ऊपर से वुमेन को जॉब भी मिल जाएगी, तो दोनों ही तरीके से वुमेन का फायदा हो रहा है। किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये बात अनाउंस की गई है दिल्ली में, ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कई जब से ये पैडमैन मूवी आई ना, तब से बहुत ज्यादा इस पर फोकस दिया जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा याद रखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, इसके अलावा 7 सेंटर अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर स्टेब्लिश किए जाएंगे, एक्सीलेंस सेंटर जिनको बोला जाएगा, कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर। ओके, इसके अलावा आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि ट्रायल बेस पे पहले सेटअप किया जाएगा, कहां पर, चेन्नई, गुवाहाटी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो अभी ये सेंटर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामने है आप लोग के, ये हो गया चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गुरुग्राम और ये हो गया लखनऊ, ठीक है ना। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी। तो यहाँ पर आज के डेट में जो मिनिस्टर हैं, ये हैं यहाँ पर कौन, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं और काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं। इसके बारे में आप लोग जब से आधार कार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसकी वजह से भी न्यूज में रहती है ये मिनिस्ट्री, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, और थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, ये अभी फॉर्मेशन जो इस मिनिस्ट्री का हुआ है 2016 में आप लोगों को देखने को मिला है। इससे पहले जो हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो ये जो मिनिस्ट्री आप लोगों के सामने निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2016 में ही इसके अंदर से निकाली गई है, नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो इसलिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। और जितना आप लोग देख सकते हैं, खासकर फोकस किया गया आधार कार्ड वगैरह की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जनधन आधार कार्ड ये सारे कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजिकल जो चीजें होती हैं उनको एक जगह कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में आप। वैसे तो आप लोगों ने मसूरी का नाम सुना ही होगा, आईएएस की ट्रेनिंग वहां पर होती है, उसके लिए तो फेमस है ये। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर कैंप फाल भी, काफी शानदार है ये देखने के लिए, वहां पर मनमोहक दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए कितना शानदार दृश्य यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। पड़ता कहाँ पर है, मसूरी, उत्तराखंड में। कभी टाइम लगे तो जाइएगा घूमने जरूर, और अगर हो सके तो आईएएस की ट्रेनिंग अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हाँ, कि ये अपने मन में ठान लीजिए कि हाँ, मैं यहाँ पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, जब पहुंचूंगी, जब मुझे आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान में ही मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गोल भी अचीव होगा और आप लोग प्रकृति के पास भी पहुंच जाएंगे। बहुत शानदार सेंटर है, आप लोग जाकर देखेंगे तो आप लोगों का मन मोहलेगा, ये इतना शानदार आप लोग यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा पिक्चर में ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं योजना का आर्टिकल, पर उससे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का रिवीजन का भी पोर्शन है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहले एनालाइज करना है क्या क्या चैलेंज फेस किए जाते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर द डिसेबल। मतलब कई सारे डेवलपमेंट हम लोग प्रोग्राम चला लेते हैं, पर लेकिन डिसेबल सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, मान लीजिए किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी को कम दिखता है, उसको हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं, तो उसी के बारे में बात की, उसको भी हम लोगों को काउंट कर साथ में लेके चलना है। तो पहली तो बात आप लोगों को यह बतानी है और किस तरीके से उसको चैलेंजेस जो उनके सामने आते हैं उसको कम किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम लोग भी आंसर देखेंगे। रिवीजन भी आप लोगों के लिए यहां पर है, रिवीजन करना है आप लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेक्चर है 67, पॉलिटी का रिवीजन हमारा चल रहा है यहां पर, तो लेक्चर नंबर 67 पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो लेक्चर का लिंक आप लोग देखते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप लोग जब यहां से टेलीग्राम से या फिर फेसबुक से, तो यहां पर भी आप लोगों को पीडीएफ के अंदर भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के नीचे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। जो रिवीजन कर रहे हैं उनको पता होगा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनका तो फिर राम भरोसे, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो रिवीजन जरूर करते रहिए। आइए अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में बात की जा रही है किस तरीके से हम लोग एम्पावर कर सकते हैं अपने डिफरेंट जो डिफरेंट लेबर सेक्शन होता है, जिसको दिव्यांग भी बोला गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो आप लोगों को देखने को मिलता है, देखें नॉर्मली अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देख लें, हमारी फैमिली जो होते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में जो फैमिली होती है वो टूटती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, और लोग जो है आज की डेट में छोटी छोटी फैमिली के साथ साथ में अपने जो काम होते हैं वो भी काफी दूर दूर जाकर करते हैं, काफी दूर सिटीज में चले जाते हैं, कई स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब किसी के हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनने देखने में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ज्वाइंट फैमिली रहती है तो आसानी से उसकी हेल्प हो जाती है। पर आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और खासकर जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मॉडर्नाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन आया, तब से ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, ज्वाइंट फैमिली टूटती जा रही है, तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसका आप लोगों को ऐसा नहीं है कि उसका प्रॉब्लम एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रही है, इस डायरेक्शन में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने है यहाँ पर। तो तब ड्यूटी किसकी बनती है, तब ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, कुछ ना कुछ ऐसे प्लान लेकर आए, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आए, ताकि इस सेक्शन के सोसाइटी के सेक्शन को भी कम से कम ढंग से रखा जा सके, ये भी इन्वॉल्व हो सके, एक प्रॉपर सोसाइटी के साथ में आगे बढ़ सके और अपने आप को कंफर्टेबल फील करें सोसाइटी के साथ में। तो ये कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसके अलावा फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 43 के तहत बोला जाता है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए सिटीजन को, तो कोई भी सिटीजन यहां पर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 14 आर्टिकल के तहत बात की जाती है कि किसी को भी यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करनी चाहिए, तो ये भी बात यहां पर निकल कर आती है। और इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू वर्क वगैरह या फिर एजुकेशन, ये सारे असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट में ओल्ड एज सिक या फिर डिसेबल सेक्शन को अलग से प्रोविजन यहां पर रखा गया आर्टिकल। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से, ओके। हालांकि ये सारी बातें मैं आप लोगों को डीपीएसपी में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, उस टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पर थोड़ा उनका भी रिविजन हो जाएगा जिसने लेक्चर सुना है, पर आप लोग याद जरूर रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि डिसेबल्ड के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में चीजें रहती हैं आजकल, तो इसलिए आप लोगों को थोड़े से फोकस देकर चलना है, ठीक है। तो इनके तहत यहां पर गवर्नमेंट की ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी स्कीम निकाल के लेके आए कोई भी सोशल सिक्योरिटी की, ताकि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा सके। और जब बात आती है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं दुनिया भर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, पर लेकिन जब तक हम लोग काउंट कर नहीं चलेंगे डिसेबल सेक्शन को सोसाइटी के, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। मोस्ट डेवलप्ड आप लोग प्रोग्राम देखेंगे, उनमें हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं कि हमारे सेक्शन हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा भी तबका है हमारा जो कि इसको यहाँ पर इंजॉय नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं पर लेकिन इनको भूल जाते हैं। स्मार्ट सिटी हम लोग लॉन्च करने की बात करते हैं पर लेकिन स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं वो तब तक स्मार्ट नहीं बनेगी जब तक हम अपने इस सेक्शन को भी साथ में लेकर नहीं चलेंगे। तो सारी बातें हम लोगों को साथ में लेकर चलनी है, तभी स्मार्ट सिटी भी स्मार्ट सिटी कहला पाएगी। और कई बार देखिए स्कीम भी रहती है तो प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आप इस लेक्चर के थ्रू भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, प्लीज आप लोग बताइए करें आसपास के सेक्शन के सोसाइटी में, अगर वुमेन से रिलेटेड है वो स्कीम या फिर बच्चों से रिलेटेड है या फिर हमारे दिव्यांग जन से रिलेटेड है, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी स्कीम यहां पर लेक्चर में पता चलती है तो अपने आसपास अवेयरनेस फैलाया कीजिए उसकी, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्कीम देखने को मिलेगी, कोई स्कीम तो चलाई जाती है उसकी कहीं सिंगल विंडो नहीं रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों को अलग अलग एजेंसी के सामने जाना पड़ता है, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ती है। तो प्लान जो है होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ये डिसेबल सेक्शन के लिए सारी स्कीम्स यहाँ पर मिलेगी, इस तरीके कुछ फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर एक जगह सारी चीजें मिल जाए, फंड भी अच्छे से अच्छे एलोकेट यहाँ पर करना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं जो डिसेबल्ड फ्रेंडली हमको अपना एक एनवायरमेंट बनाकर चलना है, तभी जाकर ये कंफर्टेबल फील कर पाएगा हमारा सेक्शन, और तभी जाकर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ग्रोथ में हमारी कंट्री को आगे ले जाने में हमारा साथ दे पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फोकस देकर चलना है। तो कभी भी आप लोग ऐसे लिखना है कोई भी, तो इस तरीके से आप लोग वहां पर देख सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। आइए अब थोड़े देख लेते हैं क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे और आज के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं।
तो ये हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस जो आप लोगों को आंसर देना है। सबसे पहला है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड किसको दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, जिसने लेक्चर सुना होगा वो आंसर आराम से दे पाएगा। ओम कालेश्वर डैम के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये किस रिवर पर पड़ता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी सिटी है जो 15 सबसे ज्यादा यहाँ पर जो वेल्थ सबसे ज्यादा अमीर सिटी के बारे में पूछा गया था यहाँ पर, कौन सी है ग्लोबली अगर देखा जाए तो। न्यू वर्ल्ड वेल्थ ये इसके आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आती है हमारी मुंबई सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है साहित्य अकेदमी अवार्ड के बारे में। तो नाम याद रखिए के बी रामानुनी, यहाँ पर 2017 का साहित्य अकेदमी अवार्ड इनको दिया गया मलयालम लिटरेचर के लिए। अब मलयालम से आप लोगों को पता चली गया और रहने वाले कहाँ के हैं, केरला के। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन सब चीजों से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए। सेलिब्रेशन चल रहा है 17th ईयर इंडिया रशिया एग्रीकल्चर, कल ही आप लोगों को लेक्चर में मैंने पढ़ाया, आप लोगों को पता होगा किस स्टेट की बात की जा रही थी, ये की जा रही थी राजस्थान की, ठीक है। उस टाइम पर इसको USSR बोला जाता था, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने देखा डिफरेंटिएबल सेक्शन के लिए हम लोगों ने योजना का आर्टिकल डिस्कस किया, ये पूरा आर्टिकल था आप लोगों के सामने। इसके साथ में आप लोगों के लिए आर्टिकल के साथ में क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देना है और रिविजन भी करना है पॉलिटिकल ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जाने, छोटी छोटी मगर मोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने ये पिक्चर भी देखी थी और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोगों को सोसाइटी बनाना है इसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जॉब एंड लेवलीहुड के बारे में और यहाँ पर हम लोगों ने नीति आयोग एंड CII के बारे में भी जाना। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट करने की बात की जा रही है आर्म फोर्स के लिए, ताकि उनको अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जा सके। ट्रायल्स ऑफ द ट्रस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, किस तरीके से बुक रिलीज की जा रही है और किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आप लोगों को सैनिटरी पैड ईच ब्लॉक में बनाने की बात की जा रही है, मिनिस्ट्री जरूर याद रखेगा IT मिनिस्टर के द्वारा बात की जा रही है, IT मिनिस्ट्री के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिला हम लोगों ने जाना कैंप फेल के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले और ये थे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह कम से कम यूज कीजिए, ठीक है ना। और देखिए चीजों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए और क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए और जो पूछ नहीं रहा है कम से कम आंसर पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को भी फायदा होता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।